गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड कोषों यानी कि गोल्ड ETF, गोल्ड ETF में सितंबर में 446 करोड़ रुपए का निवेश आया है। देश में त्योहारी सीजन के मद्देनजर मजबूत मांग के चलते निवेश का ये प्रवाह आगे भी जारी रहने की उम्मीद है। इससे पिछले महीने गोल्ड ETF में 24 करोड़ रुपए का शुद्ध निवेश आया था। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया एमफी के आंकड़ों के अनुसार जुलाई में गोल्ड ETF से निवेशकों ने शुद्ध रूप से 61.5 करोड़ रुपए की निकासी की थी। गोल्ड ETF श्रेणी में अब तक शुद्ध रूप से 3,515 करोड़ रुपए का निवेश मिला है। सिर्फ जुलाई ऐसा महीना रहा जबकि इससे निकासी हुई है। ताजा प्रवाह से इस श्रेणी में फोलियो की संख्या सितंबर में 14% बढ़कर 24.6 लाख पर पहुंच गई, जो अगस्त में 21.46 लाख थी। इस साल अभी तक फोलियो की संख्या में 56% की बढ़ोतरी हुई है। देश का सोने का आयात चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही अप्रैल सितंबर 2021 के दौरान कई गुना बढ़कर 24 अरब डॉलर पर पहुंच गया। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों से ये जानकारी मिली है। देश में सोने की मांग बढ़ने से आयात बढ़ा है। सोने के आयात से चालू खाते के घाटे पर असर पड़ता है। पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में सोने का आयात 6.8 अरब डॉलर पर रहा था। इस साल सितंबर में सोने का आयात भी कई गुना बढ़कर 5.11 अरब डॉलर हो गया है। वहीं दूसरी ओर अप्रैल सितंबर में चांदी का आयात 15.5% घटकर 61.93 करोड़ डॉलर हो गया। हालांकि सितंबर में चांदी का आयात बढ़कर 55.23 करोड़ डॉलर पर पहुंच गया, जो सितंबर 2020 में 92.3 लाख डॉलर रहा था। सोने के आयात में उल्लेखनीय बढ़ोतरी से सितंबर में देश का व्यापार घाटा रिकॉर्ड स्तर पर बढ़कर 22.6 अरब डॉलर हो गया। एक साल पहले समान महीने में यह 2.96 अरब डॉलर रहा था। आयात और निर्यात का अंतर व्यापार घाटा होता है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा सोने का आयातक है। सालाना आधार पर भारत 800 से 900 टन सोने का आयात करता है। चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में रत्न एवं आभूषणों का निर्यात बढ़कर 19.3 अरब डॉलर पर पहुँच गया, जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में 8.7 अरब डॉलर रहा था। रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद GJEPC के चेयरमैन ने कहा है कि त्योहारी सीजन तथा भारी मांग की वजह से सोने का आयात बढ़ा है। निर्यातकों के संगठन फियो के महानिदेशक ने भी इसी तरह की राय जताते हुए कहा है कि मुख्य रूप से मांग बढ़ने की वजह से सोने के आयात में वृद्धि हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।